पायमाल हो रहा है। आपका सम्मान एक धर्म और दायित्व की तरह लेते हुए इन दोनों संस्थाओं ने आपकी सेवा और योग्यता के लिए आपकी शताब्दी पुस्तकें प्रकाशित हैं और आप अनेक देशों की यात्राएं कर चुके हैं। आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। पुनः आपको सम्मानित होते हुए देखकर हम सभी गदगद हो रहे हैं। कार्यक्रमों की एक व्यवस्था होती है कि बोलने वाला जल्दी बोल जाता है और कार्यक्रम बाद में संपन्न होते हैं, इसलिए आप क्षमा कीजिएगा। का सम्मान हो रहा है, हम सभी इनको सम्मानित होता हुआ देखकर गदगद हो रहे हैं। अब हम सम्मानित होता हुआ जिन्हें देख रहे हैं वो श्री यशवंत चौहान जी हैं। आपका भी सम्मान इस मंच को गौरवान्वित कर रहा है। अनेक चैनल साहित्यिक सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आप लघु कथाकार भी हैं और प्रसिद्ध समीक्षक भी हैं। आपको सम्मान आपके दार के लिए है। आप बहुत यशस्वी हों। उसका श्रेय पूरी तरह से हम अपनी आदरणीय भाई बहन डॉक्टर निखिलेश दीक्षित दीदी को देते हैं, जिनकी वजह से हमने हाइकू का भाव भी सीखा है। नहीं हमें कुछ नहीं आता था। इन्हें बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बधाई के साथ इनकी पुस्तक को हम बड़े सम्मानित तरीके से आज लोकार्पित होते हुए देख रहे हैं। सचमुच बहुत बहुत लेखक, बहुत कवि, बहुत रचयिता। एक रेंगा संग्रह है जो विश्व का तृतीय संग्रह है श्री राम निवास पंथी जी का, जिसका नाम है चिंतन की लड़ियां। इसका ये प्रदीप का दीपक जी का सम्मान दोनों संस्थाओं की ओर से है। आप इसी तरह लिखते हैं निरंतर और आपका यश बढ़ता रहे। बहुत बहुत बधाई है आपको। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको इस सम्मान के लिए। यह सम्मानित होते हुए हम देख रहे हैं प्रदीप दास दीपक जी को। आप ऐसे ही सम्मानित होते रहें यह शुभकामना। ऐसे ही हर साल आपकी झोली में अच्छे अच्छे सम्मान आते रहे सर। आपको इसके लिए बहुत बधाई। हाइकू के क्षेत्र में बहुत बहुत अवदान रहा है। बहुत अच्छा लिखती है मीनू जी और इन्हें सम्मानित होता हुआ देखकर आपकी ताली और उनका मन
दोनों एक साथ समझ नहीं आ रहा है, डंडा पकड़ा है कि तलवार पकड़ा है, डर के रहना चाहिए इसे। सामने देखिए इनू जी को तलवार की कहां से जरूरत है। ये अहनी है हर दिखावे, ये मेरा बैसवारा, ये मेरा बैसवारा साहित्य और सौर्य की ये सरजमीन, ये साहित्य और विधि डॉक्टर मीनू खरे जी को तलवार भेंट करके साहित्य और सौर्य की इस भूमि को साक्षात अभिनंदन किया गया। नीचे आ जाइए, कोई है भी नहीं ऊपर। ये सम्मान आपकी योग्यता का, आपकी कुशलता का, आपकी क्षमता का सम्मान है। आपसे आपको सम्मानित होते हुए देखकर सभागार में उपस्थित सभी स्त्रियाँ अपने आप को गौरवान्वित समझ रही हैं और सभी लोग गौरवान्वित समझ रहे हैं। आप भी मन बनाए और सम्मानित होने का तथा लघु कथा में निवेदिता हम आमंत्रित करते हैं हमने निवेदिता जी को सम्मानित होते हुए देखा और हम प्रसन्न हो रहे हैं आपको सम्मानित होता हुआ देखकर। उनको तो आप लोग ऐसे मन छोड़ भी देगा नहीं रखा, नहीं वो बेचारे आपकी तलवार से और फिर भी कर देंगे। अच्छी बात, एक सर कह रहे हैं कि बैसवारी का नाम आ गया तो तलवार आना ही है। अच्छा, ये लोग बैसवारी वाले लोग सोचते हैं जब तक महिलाएं तलवार नहीं लेंगे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। अंजू निगम जी का सम्मान इस मंच की दोनों संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। अंजू निगम जी वैसे भी जब बैठी थी हमारे सामने तो उनका फुल मुख देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी और अब तो उन्हें और भी प्रसन्न मुख देखकर आनंदित हो रहे थे। आपका यश, आपका सम्मान बढ़ता रहे, आप इसी तरह सम्मानित होती रहे, यही शुभकामना है हमारी। हम देख रहे हैं सम्मानित होते हुए डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव जी को, आपका योगदान महत है। बहुत ही टैलेंटेड है और साहित्य की जानी मानी हस्ताक्षर है। ये साहित्यकारों का सम्मान, उसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण को सख्त सम्मान से नवाजा जाना, ये
सराहनीय पहल राष्ट्रीय पुस्तक मेला में है। वो दौर एक समय जब आजादी का हुआ करता था और उस परिप्रेक्ष्य को लक्ष्य करते हुए हम लोग कविताओं का जब पाठ करते थे, यशस्वी हो और इसी तरह सम्मान के हकदार बन चुके। आज के मन की आप विशेष अतिथि हैं सर, और सचमुच आपका पर्यावरण हमारे जीवन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसी के बीच हमारे जीवन के अणु और परमाणु संगठन हम हमेशा से देखते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इधर बहुत ध्यान दिया था। अगर हम अपनी प्राचीन शारी प्रभावित होते हैं और जीवधारियों से पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण में जैविक अजैविक दोनों प्रकार के तत्व होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो मानव भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, परंतु उसने नैसर्गिक पर्यावरण में नैसर्गिक प्रकृति में हस्तक्षेप करके अपना एक अलग पर्यावरण बना दिया है। अर्थात हमारी प्रकृति को हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है, जिसके कारण से समस्याएं आने लगी हैं। स्वास्थ्य की समस्या आने लगी है, हमारे अस्तित्व की समस्या आने लगी है। कहीं तापमान बहुत बढ़ रहा है, कहीं बहुत ठंडा हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है। ये सब पर्यावरणीय असंतुलन का परिणाम है। आज जब ये सीमा के पार हो रहा है, तब इस पे चिंतन होना प्रारंभ हुआ है। नगरीकरण औद्योगिकरण इसके मुख्य कारण है, और आज जब पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, तब ये कश्मकश चल रही है कि कैसे नदियाँ मैली ना हो, हवा प्रदूषित ना हो और हमारे काम ना भटके। सृष्टि के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज हम सांस लेते हैं, उस वायु में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, और पेड़ पौधों को प्रकाश, जल और उर्वरा धरती चाहिए, और धरती को उर्वरा शक्ति के लिए जल चाहिए। अर्थात हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। समस्याओं का मूल कारक मानव को ही माना गया है। उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके द्वारा बनाए गए संसाधन इसका मुख्य कारण है। हमारे पास दो तरह के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं जो जिनकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन अनवीकरणीय वो होते हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती। नवीकरणीय है पानी, हवा, इस तरह की चीजें, और अनवीकरणीय है खनिज, तेल आदि। परंतु आज मनुष्य ने उसका दुरुपयोग करके जो नवीकरणीय संसाधन थे उनको भी अनवीकरणीय बना दिया है, और आज नदियाँ जितनी प्रदूषित हो रही हैं, हवा जितनी प्रदूषित हो रही है, उसको शुद्ध करना बहुत कठिन होता चला जा रहा है। आज हमारे पास एसी, कार, उद्योग आदि ऐसी ऐसी हम लोगों ने उपयोग किए हैं जिनके कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। और अब जब इतनी समस्या बढ़ गई है, तब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं। आज जिन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं उनको समाप्त करना या उनका ना करना वापस नियंत्रित करने के तीन प्रकार। एक है कि इसका निवारण हो, हर स्तर पर प्रदूषण निवारण का कार्य उद्योग और निजी स्तर पर उनका पालन किया जाए। दूसरा तरीका है कि हम उसका उपचार अब स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने को आते हैं। हमने भस्मासुर के समान स्वयं की तकनीकी विकास
और विलासितापूर्ण जीवन का ऐसा जाल अपने चारों ओर खड़ा कर दिया है जिसमें हम स्वयं फंस गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण कठिन हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर हम अपनी सृष्टि को बचा सकते हैं, मानवता को बचा सकते हैं और भावी पीढ़ी को बचा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है हमारे साहित्य में पर्यावरण का, तो हमारे साहित्य का जो होता है वो समाज के पर्यावरण कहीं ना कहीं हमारे साहित्य में विद्यमान है। लेकिन पहले चित्रा का विषय नहीं था, उसका वर्णन होता था, कहीं सौंदर्य के रूप में होता था, लेकिन आज वो चित्रा का विषय हो गया। इसका उदाहरण आप देखिए, संत तुलसीदास ने लिखा था, तुलसी तरोवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगा। लेकिन आज रहीम ने लिखा था, रहमन पानी राखी के तेजी से कटते हैं दरख्त, उसमें तेज बनते हैं मकान, कौवा साहित्य तो किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, लेकिन पर्यावरणीय चिंतन ये आवश्यक नहीं है कि हर भाषा में या हर विद्वान उस बिंदु को स्थान दे रहा हो। मेरा आज का विषय है कालिदास के साहित्य में प्रकृति बोध। कालिदास संस्कृत साहित्य के उन मूर्धन्य विद्वानों में आते हैं जिन्हें कवि कुल गुरु के नाम से जाना जाता है। प्रकृति मानव की आदिकाल से ही नित्य सहचरी रही है। प्रकृति गोद में पलकर ही मनुष्य प्रतिक्षण बड़ा होता हुआ अपने जीवन यात्रा को पूर्ण करता है। कर कर करती हुई नदियां, हिममंडित शिखर, बसंत ऋतु में पूर्ण यौवन को प्राप्त वनस्पतियां, हरि दिवा से युक्त विस्तृत वन प्रांत, विभिन्न रंगों और आकृतियों से युक्त पशु पक्षी, न जाने कौन कौन से रूप प्रकृति के हमें प्रतिक्षण लुभाते रहते हैं। जहां तक कालिदास के नैसर्गिक सौंदर्य का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगी कि प्रकृति के पुजारी भाव कवि कालिदास की अंतर्दृष्टि को इन प्राकृतिक पदार्थों में जो सुषमा दर्शित होती है वह सुषमा रत्न मुक्ता खचित कंचन के आभूषणों में भी नहीं दिखाई देती। ऐसा जान पड़ता है कि कवि कुलगुरु की समस्त कृतियां प्रकृति के सौंदर्य निरीक्षण में ही उनकी आरंभिक अवस्था से ही रम गई और उनका आरंभिक काल काव्य जो ऋतु संहार है प्रकृति की मनोहर सुंदरताओं के सूक्ष्म एवं सहृदय निरीक्षण की एक झांकी प्रस्तुत करती है। कुमार संभव के तृतीय सर्ग में तो कालिदास ने ऋतुराज बसंत के आगमन पर वनों में खिले हुए तेजु पुष्पों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत के आगमन पर दूज के चंद्रमा के समान टेढ़े अत्यंत लाल लाल अधखिले तेजुओं के फूल वन भूमि में ऐसे लग रहे हैं मानो बसंत ने वन स्थलियों के साथ विहार करके उन पर अपने नखों के चिन्ह अंकित कर दिए। कुमार संभव में सूर्यास्त का वर्णन करते हुए कभी कहता है कि ज्यों ज्यों दिन ढलता जाता है त्यों त्यों सूर्य की किरणें हिमालय के झरनों की फुहारों से टूट भी जाती हैं और उनके हटते ही उन फुहारों में बने हुए इंद्रधनुष भी छिपते जा रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रोदय का वर्णन करते हुए भी आगे कवि कहता है, जो चंद्रमा दिन भर दिखाई नहीं देता था वह इस समय निकला हुआ ऐसा लगता है मानो रात के कहने से चंद्रमा मुस्कुराता हुआ पूर्व दिशा के सभी रहस्य व भेदों को खोल दे रहा हो। देखो पार्वती, ये चंद्रमा उदित होता हुआ इस समय ऐसे दिखाई पड़ रहा है जैसे पके हुए प्रियंग के फल के समान लाल लाल फल दिखाई पड़ते हैं। इस समय आकाश का चंद्रमा तालाब में पड़ी हुई परछाई के चंद्रमा दोनों ही ऐसे लग रहे हैं मानो चकवा चकी का जोड़ा एक दूसरे से दूर जा रहा है। उनका अभिज्ञान शाकुंतल नाटक तो प्रकृति के साथ प्रतिक्षण जुड़ा हुआ शकुंतला का जब भी आगमन होता है वह प्रकृति से बात करती हुई प्रकृति के साथ अपनी दिनचर्या का निर्माण करती हुई दिखाई पड़ती है। जिस समय शकुंतला की विदाई होती है
उस समय का एक दृश्य मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि पर कुछ हाइकू मैंने पढ़ते पढ़ते चुने थे, उनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि एक सजग और संवेदनशील साहित्यकार अपने चहुदिशी दृष्टि रखता है, मानव मन को उकेरता है, प्रकृति को उकेरता है और वे सारी संवेदनाओं को अपनी कविता में पिरोता है, जिसे हम जीवन में दो चार होते हैं, जिसका हम सामना करते हैं। उसकी संवेदनशीलता केवल मनुष्य या समाज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें प्रकृति तो निश्चित रूप से समाहित होती है। यही कारण है कि सभी महान साहित्यकार किसी न किसी रूप में प्रकृति को अपने साहित्य में लेकर आए हैं और उसके अनेक रूपों को, अलग अलग रंगों को अपने साहित्य में चित्रित किया है। आदि कवि वाल्मीकि तो प्राकृतिक घटना से प्रभावित होकर ही कवि बने थे, ये हम आप सब जानते हैं। परवर्ती कवियों ने भी प्रकृति और पर्यावरण को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः साहित्यकार की दृष्टि जितनी व्यापक होती है, उसकी रचनाओं में उतनी ही बातें समाती जाती हैं। भले ही वे चरित्र प्रधान रचना हो, घटना प्रधान रचना हो या फिर उसमें पर्यावरण को समाहित किया हो, किसी न किसी रूप में प्रकृति का कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई रूप उसमें अवश्य दिखाई देता है। यह अलग बात है कि आवश्यकता के अनुसार उसकी मात्रा न्यून अधिक हो सकती है। एक आजकल के समय का जो सबसे बड़ा समस्या है वो समय की है। किसी के पास समय नहीं है, कम से कम समय है और कम से कम समय में कम से कम शब्दों को वो सुनना चाहता है और कम से कम शब्दों को पढ़ना चाहता है। संभवतः यही कारण है कि आज हाइकू का जो इतना लोकप्रियता है वो इसी कारण से। शैलेश मिश्र जी बैठे हुए हैं, वे देख रहे हैं, मीनू खरे जी हैं, डॉक्टर दीक्षित जी हैं, ये सभी आज हाइकू के सिद्धहस्त हस्ताक्षर हैं और जितने भी यहाँ पर कवि सम्मानित हुई हैं, महिला कवि जो है वो सभी हाइकूकार हैं बड़ी उच्च कोटि की। तो यही कारण है कि हम कम शब्दों में और एक गंभीर बात को कह सकें। तो मैं पढ़ रहा था कुछ, उसमें देखा मैंने कि हाइकू में जो प्रकृति का या पर्यावरण चिंतन है, प्रकृति का चित्रण है, वो काफी अच्छा हुआ है। डॉक्टर मिथिलेश जी का एक हाइकू है, ढलता सूर्य छोड़ चली किरणें उससे पूर्व, ढलता सूर्य छोड़ चली किरणें उससे पूर्व। मीनू खरी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका कुछ हाइकू है। तो देखिए प्रकृति का कितना अच्छा रूप उन्होंने इसमें समाहित किया है कि बड़ा सकल नीचे बेहोश पड़ी सूखी सी नदी, बड़ा सकल नीचे बेहोश पड़ी सूखी सी नदी, मछली रानी तैरने को ढूंढती नदी में पानी, मछली रानी तैरने को ढूंढती नदी में पानी। और एक बड़ा अच्छा, बहुत मुझे प्यारा लगता है, हालांकि सारे हाइकू बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बड़े मेरे मन के करीब है, वो ये है कि कौन सा रंग चाहिए तुझे धरा, कौन सा रंग चाहिए तुझे धरा, वो बोली हरा। कितना बढ़िया हाइकू है, कौन सा रंग चाहिए तुझे धरा, वो बोली हरा। और पवन जैन जी के कुछ हाइकू है कि बूढ़ा बादल धरने पर बैठा मांगे पेंशन, बूढ़ा बादल धरने पर बैठा मांगे पेंशन, पत्तों ने रोका धूप वर्षा की बूंदे हवा का छोटा कटेंगे पेड़। ये कितना यथार्थ है इस हाइकू में, देखिए कि कटेंगे पेड़ जीवन कम होगा हम धरती बांझ, कटेंगे पेड़ जीवन कम होगा धरती बांझ, और वीरान हुए पेड़ों के झुरमुट शमशान हुए। एक अभी एक हाइकू संग्रह प्रकाशित हुआ है हवाएं डेढ़ पर, डॉक्टर मधु दीक्षित जी बरेली के हैं, उनका एक बड़ा बहुत अच्छा हाइकू है, बड़ा सात्विक, प्रकृति बहुत सात्विक है और वही सात्विकता उन्होंने अपने हाइकू में डाली है। देखिए, मौन तोड़ती सूर्य दर्शन कर साध्वी कलियां, मौन तोड़ती सूर्य दर्शन कर साध्वी कलियां। और अलंकार आच्छा जी बड़े अच्छे हाइकूकार हैं, उनके दो हाइकू हैं कि ठिठके में सुन वृक्षों की गप डर गई भू,
खिड़के में सुन वृक्षों की गप तर गई और बूढ़ा पीपल देख चुका सनिया, बूढ़ा पीपल देख चुका सनिया गिनता दिन, बूढ़ा पीपल देख चुका सनिया गिनता दिन। इस प्रकार अनेक हाइकू हैं जिनमें प्रकृति को उसके किसी न किसी रूप को मनुष्य के साथ जोड़कर, संवेदना के साथ जोड़कर हाइकू संग्रह में लिया गया है। मेरा विषय यही था कि आज कल की जो लघु विधाएं हैं उनमें किस प्रकार से प्रकृति को लिया गया है, और मैं अपने एक अंतिम हाइकू के साथ मैं यहाँ से लेना चाहूंगा कि प्रभात वेला टहलने निकला सूर्य अकेला, प्रभात वेला टहलने निकला सूर्य अकेला। मुझे समय देने के लिए और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाइकू हमें बड़ा चिंतित कर गए सर। का ठीक बात है कि अगर सचमुच कलम का सिपाही कलम बंद कर देगा तो बड़ी बुरी स्थिति में ये धरती आ जाएगी, इसलिए कलम के सिपाहियों की चिंता हमने अलग अलग तरह के हाइकुओं में देखा। सचमुच पुल बड़ा सा हो और नदी सूनी बेहोश पड़ी हो चिंताजनक बात। हमारे यहाँ वेदों में भी कहा गया कि पानी के संरक्षण के लिए वर्षा के जल का संरक्षण करना जरूरी है, और आज भी देखिए यह कहा जा रहा है कि पानी का जल, वर्षा का जल जो है उसका संरक्षण हम अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं धरती के पानी को बचा देंगे। पानी बिन सब सुन, पानी बचाना, पानी पेड़ सब कुछ बचाना है, और अगर हम सचमुच थोड़ा सा योगदान दें, एक वृक्ष लगाएं और वर्षा के पानी का थोड़ा सा संरक्षण कर लें तो थोड़े थोड़े से बहुत कुछ हो जाएगा। अब हमारे बीच बड़ी सम्मानित विदुषी बैठी हुई हैं जो आज की हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनको चूँकि महिलाओं को चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, विद्या हो जाए, सरस्वती की कृपा हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर घर उन्हें इतना बांधे रखता है कि छोड़ता ही नहीं है, चाहे उन कितनी भी हो जाए, उनकी भी इसी तरह की व्यस्तता है। हम बड़े आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर विद्या विष्णु सिंह जी को आप अपने विचारों से हमें अवगत करें। आइए डॉक्टर विद्या विष्णु सिंह जी। से सभी के लिए सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए मैं मंच पर बैठे सभी भाइयों को और सभागार में बैठे सभी भाई बहनों को नमन करती हूँ। आज का विषय बहुत ही सार्थक है, और ये आज का ही नहीं सदियों से एक विषय रहा है साहित्य का। मैं सबको जो नव दुर्गाओं को बधाई देती हूँ जिनको आज सम्मानित और उनके शौर्य, उनकी लेखन शक्ति, इनके प्रति माँ बाबा जी से साधना करते हैं उन्हें शक्ति मिलती है। पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, संरक्षण हम क्या करेंगे, संरक्षण तो प्रकृति हमारा करती है। पर्यावरण का अर्थ ही समझने की जरूरत है, इसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ है। जो चारों ओर से घिरा हुआ है वो हमारा जीवन है, हमारा जीवन उसके संरक्षण में है, ये बात हमें याद रखने की। और निलेश दीक्षित जी को बधाई देती हूँ कि पूरे भारत को उन्होंने इकट्ठा किया है, और हाइकू के माध्यम से भी उन्होंने एक जो परंपरा चलाई है, जितने हाइकूकार हैं सबको जोड़ा है। मुझे याद आ रहा है जब मैं इनके जहाँ पर प्रधानाचार्य थी वहाँ पर एक कार्यक्रम में गई, और वहाँ पहली भेंट में इन्होंने जो हाइकू के प्रति उत्सुकता दिखाई, और ये कहती है कि मैंने हाइकू आपसे सीखा, लेकिन आप सबको सिखा रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि एक जो बीज वहाँ इनके कक्ष में शुरू हुआ वो वृक्ष बन गया। वेदों से लेकर आज तक की जो साहित्य की परंपरा है हमारे विद्वान वक्ताओं ने बताया,
उसमें प्रकृति सदैव उपस्थित रही है। जितने हमारे अनुष्ठान हैं, जितने हमारे पर्व और त्यौहार हैं, जितने संस्कार हैं, वो सब में प्रकृति की साझेदारी है। प्रकृति की ही पूजन सामग्री हम लेते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति नदियों में, पहाड़ों पर, वृक्षों में देवी देवताओं का वास ये सिद्ध करता है कि हमारे पुरखे कितने समझदार थे, कितने चिंतक थे। और अभी पता चला है कि गंगा की मिट्टी से कैंसर की दवा बन रही है। इस तरह की तमाम जो पूजें हो रही हैं उसमें सिद्ध हो रहा है कि प्रकृति से हम निरंतर लेते रहे हैं। वो संवेदना आज बचाए रखने की जरूरत है जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपी थी कि हम भूले नहीं कि हम प्रकृति की ही देन हैं। रक्त की बहुत कीर्ति थी, उसी से वृक्ष निकलता था और वृक्ष में से ही मनुष्य। ये जो कथाएं हमारे बीच प्रचलित हैं वो यही सिद्ध करती हैं प्रकृति किस तरह से हमारी जान हमें आविष्टित किए हुए प्रकृति ने दिया है। उसके उपचार को याद रखें, उसका क्षरण न करें, यही जिम्मेदारी है। आज जिन पुस्तकों को लोकार्पण हुआ, जिनका सम्मान हुआ, उन सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। पुस्तकें बहुत छप रही हैं, बहुत लिखी भी जा रही हैं। उसमें एक कागज जो है पेड़ों को काट के बनाया जाता है, इसलिए उतना ही हम सार्थक लिखें ये भी लेखकों सामने चुनौती है, और उतना ही पाठकों तक पहुँचे और पाठक उससे ग्रहण करें ये भी आज की जरूरत है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर हैं तो इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा, क्या हम लिखें और क्या हमारे बच्चे पढ़ें। अपने सनातन संस्कृति को सदा याद रखें, अपने पुरखों को याद रखें, अपनी परंपराओं को याद रखें। इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो, और ये हम अपना कल्याण करेंगे अगर हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे। बस यही प्रार्थना है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें। अभी कोरोना काल में ये साबित हो गया कि प्रकृति ने ही हमारी रक्षा की, और ये दर्द जो मिला है वो चेतावनी देने के लिए मिला है। इस चेतावनी को याद रखें। सबसे प्रति हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आप लोगों से मिलने का अवसर देने के लिए, संस्था को, अध्यक्ष जी को धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत आभार। चेतावनी के रूप में या आपकी उस भावना का सम्मान करते हुए हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम उतना ही लिखेंगे जो हमें अंदर से दिखा जाए। जबरदस्ती हम पुस्तक लिख कर पेड़ को और नष्ट न करें। हम जरूर आपके इस बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आपका बोलना बहुत अच्छा लगा, आपको हमने पहले भी सुना है और यह दूसरी बार सुना, अच्छा लगा आपको, बहुत धन्यवाद। अब हम श्री मुकेश तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। एक बार फिर हम ये दुस्साहस कर रहे हैं सर कि हम जिनको भी आमंत्रित कर रहे हैं वो लोग थोड़े कम समय में अपने विचार रखते हैं, जैसे हमारी आदरणीय दीदी ने कहा। भाई अखिलेश जी और आप सबकी आदरणीय केंद्र वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य भूषण आदरणीय डॉक्टर अखिलेश दीक्षित जी थी सभागृह में देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक साहित्य मनुष्यों की उपस्थिति है। नई दिल्ली से पधारी हमारे बीच में आदरणीय दीदी अंजू श्रीवास्तव निगम जी, आदरणीय अंजू दीदी और आदरणीय अखिलेश दीदी, दोनों का लगातार आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम लोग यहाँ इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले में एक दिवसीय संगोष्ठी में प्रथम सत्र में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
आदरणीय कल्पना दीदी ने पहले ही इस बात को इंगित कर दिया है कि समय की कुछ मर्यादा है, सीमा है, तो बहुत संक्षिप्त में अपनी बात मैं यहाँ रखूँगा। हमारे मध्य प्रदेश के भाई चौहान साहब भी मंच पर मौजूद हैं। आदरणीय मनीषियों, आज हम यहाँ जिस विषय पर चिंतन मनन के लिए उपस्थित हुए हैं वो एक बहुत ही समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय है। प्रकृति और पर्यावरण के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हमारे देश, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है, वो खतरनाक है और गहन चिंता का विषय भी है। ऐसे में साहित्यकार और रचनाकार की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपनी कलम और अपनी वाणी के माध्यम से आम लोगों के बीच पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए जागरूकता के विषय में काम करें, उन विषयों पर अधिक से अधिक हम कलम चलाएं, अधिक से अधिक लिखा जाए, अधिक से अधिक बोला जाए, अधिक से अधिक इस तरह के आयोजन संपन्न हो जिसमें समाज में पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण के लिए संदेश देने की बात हो, संदेश जाए। और जैसी संगोष्ठी आज यहाँ पर संपन्न हो रही है, ऐसी संगोष्ठी लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर पूरे देश में साहित्यकारों के माध्यम से आयोजित हो, साहित्य और साहित्यकारों के माध्यम से गांव गांव तक प्रकृति और पर्यावरण का संदेश, पर्यावरण के संरक्षण का संदेश, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का संदेश पहुंचे, नई पीढ़ी में और अधिक जागरूकता प्रकृति पर्यावरण को लेकर आए, लेखन को लेकर आए, लेखन में नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण के विषयों को अपनाए। औद्योगिक भारतीय फाउंडेशन लखनऊ और विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट आगरा का ये जो प्रयास आज हुआ है वो प्रयास जो है सराहनीय और अनुकरणीय है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी की जो सदैव ही समसामयिक और महत्वपूर्ण विषयों पर न केवल खुद जो है वो कलम चलाती हैं बल्कि देश भर के साहित्यकारों को, नवोदित रचनाकारों को इसके लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। मैं लोकमाता देवी अहिल्याबाई की नगरी इंदौर से यहाँ बता रहा हूँ और आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि जब भी माधवी फाउंडेशन या विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट कोई भी आयोजन इंदौर में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को लेकर करेगा, मेरा इसमें बहुत सारा सहयोग आप सबको मिलेगा। आप सबने यहाँ पर मुझे याद किया और मंच से बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और विशेष तौर पर आभारी हूँ साहित्य भूषण हाइकू भूषण हम सबके आदरणीय केंद्र डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी का। मैं पैसवाली की सरसरी से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जिस विषय पर हम सभी लोगों को चर्चा करनी है, हमारे समक्ष हमारे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर राम नरेश जी बैठे हुए हैं, बैसवाड़े के इतिहास पर काम करने वाले डॉक्टर राम बख्श जी बैठे हैं, वर्मा सर बैठे हैं, निराला संस्थान से दादा राम निवास पंथी जी बैठे हैं, महिला सशक्तिकरण पर काम करने वाली आदरणीय दीदी सामने हैं, पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय बड़ी दीदी, अवध की शान अवध की मान डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुदेव और इस कार्यक्रम का सफल संयोजन के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रही हाइकू की दुनिया में राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातलब्ध आदरणीय दादी आदरणीय दीदी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी का और निखिल प्रकाशन समूह का मैं हृदय से स्वागत वंदन करता हूँ। मित्रों, जिस विषय पर सभी लोगों को चर्चा करनी है वो चर्चा का विषय नहीं है बल्कि आत्मसात करने का विषय है, जिससे हम सभी लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है और वो किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सेमिनार का, किसी एक संगोष्ठी का, किसी एक शोध पत्र का या किसी एक शोध पुस्तक का या किसी एक शोध ग्रंथ का विषय नहीं है।
बल्कि जनजन की सहभागिता का विषय है, तभी हम पर्यावरण पर सही दिशा में काम कर सकेंगे। और यदि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सके, पर्यावरण को व्यवस्थित कर सके, तब तो हम सुरक्षित होंगे, अन्यथा हमारा वजूद नहीं होगा, हमारा अस्तित्व नहीं होगा। यह जो पर्यावरण पर हम सभी लोग लगातार चर्चा परिचर्चा करते हैं, इसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल हम सभी लोगों को सीख की आवश्यकता है, सहज रूप में समझने की आवश्यकता है। अभी विगत वर्षों में हम सभी लोगों ने कोरोना महामारी का दौर देखा है, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया पद्मश्री से सम्मानित हमारी दीदी विद्याबेन सिंह। हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के दौर में, विषम दौर में, वैश्वीकरण के इस ज्वलंत परिवेश के दौर में पर्यावरण कितना विभीषिका की ओर चला गया था, लेकिन दो तीन वर्ष केवल हमने अपने पर नियंत्रण किया महामारी के दौर में, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी नदियों का जल स्वच्छ हो गया। यानी कहीं ना कहीं हम स्वयं दोषी हैं, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो। हम लोग पहाड़ों की यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर तीर्थों पर धामों की यात्रा करते हैं, वहां सीधे सीधे लिखा होता है कि जोर से बोलना भी खतरनाक है, आप तेज आवाज भी ना करें, संघ तक वहां बजाना प्रतिबंधित होता है। और देखिए विभीषिका का यह वातावरण कि वहां हम लगातार प्लेन उड़ाते हैं, लगातार प्लेन उड़ते हैं, तो वो जो आवाज है वो हमारे पत्थरों के साथ, हमारे पहाड़ों के साथ, हमारे पठारों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है। कई कई सदियों से पहाड़ों पर जो वायरस संचित है, पर अगर इस प्रदूषित वातावरण के कारण पिघलेगी, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग उसका दंश झेलेंगे, और कोरोना एक महामारी नहीं, ऐसी असंख्य महामारियों के हम सभी लोगों को शिकार होना पड़ेगा। तो हम सभी लोगों का यह दायित्व बनता है कि पर्यावरण के जो भी घटक हैं, उन घटकों पर हम सभी लोग सही दिशा से काम करने की चेष्टा करें। हम जल संरक्षण की बात करते हैं, शक्तियों को देवी के रूप में पूजा गया है और उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नारियों को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी, शक्ति और ताकत की देवी माता दुर्गा, ज्ञान की देवी मास्टर श्री। मंच तथा इस कार्यक्रम में माता लक्ष्मी, दुर्गा एवं सरस्वती के विभिन्न रूपों में विराजमान विदुषी नारी शक्तियों को सादर नमन। मुझे जैसे एक ग्रामीण अदने से हाइकुकार को हाइकु गौरव सम्मान तथा निराला स्मृति सम्मान से सम्मानित करने हेतु माधवी फाउंडेशन, विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट, निराला संस्थान के सभी सदस्य, निखिल प्रकाशन आगरा, जुझारू व्यक्तित्व की धनी देश की शीर्षस्थ हाइकु कवयित्री दीदी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी तथा आप सभी का मैं अंतर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान उपस्थित है और मुझे भी अल्प समय ही दिया गया है, और इसे अल्प समय में इसके बाद द्वितीय सत्र का प्रारंभ होना है, इसे ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी नहीं गिराऊंगा। गिरावट देखते हैं तो हमारी तरफ से भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ न करें। उस पंक्तियां में आपके समक्ष रख रही हूँ, कटते जंगल देख कर धरती करे पुकार, कंक्रीट को बोकर तुम पाने चले बहार, धरती से जीवन मिले किया उसी पर वार, कब तक इस संसार में चले यही व्यापार, जाने कब चेतेगा मानव कितना करे विनाश, जहर घुल रहा सांसों में और उसका रहा विकास, कीमत बड़ी विकास की सस्ती हो गई जान, भीड़ बड़ी है शहर में पड़ोसी है अनजान, अहम भरा सबकी बातों में लिपटते रहे ताप में, खोले नहीं रेशमी गांठे कैंची सबके हाथ में, असली दौलत सच्चे रिश्ते इसमें ना व्यापार चले, सुंदर रिश्तों की बगिया में सुख की बेल फले फूले, रिश्तों को खोकर जो पाया ये नुकसान तुम्हारा है, अपनों से छल कर भी जीता, जीता नहीं वो हारा है। धन्यवाद।
कहते हैं प्रकृति, उसी से बना है प्रकृति, जिसको बनाने में आदमी की भूमिका नहीं होती, उसको कहते हैं प्रकृति। जैसे आसमान है, समुंदर है, आपके जो है तमाम इंद्रधनुष है, ये सब हवा है, आदमी ने नहीं बनाया। तो जब हमारा पांच तत्व है, चीज़ जल पावक गगन शरीर, अगर हम इनको डिस्टर्ब करेंगे, इनको हम जो है वो कहीं कहीं से दूषित करेंगे, तो आगे फल कौन भोगेगा? अभी भोगेंगे। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज भी तो नहीं है कि कोई नहीं जानता, सभी जानते। सवाल यहाँ होता है कि जब आप जानते हैं कि ये गलत है, तो दूसरों से जो उम्मीद करते हैं उसको सुधारने, आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत है। एक चीज पर्यावरण क्या है, परि है और आवरण है, परि माने परितः, चारों ओर, आवरण जो हम तो कहते हैं चक्कर जो बाहर से घेरे हुए है, क्या है? हवा है। जब हम इसको दूषित करेंगे, अभी देखो एक सवाल और आया, जब आपको प्रगति करनी है, वैज्ञानिक उपलब्धियां आपको लेनी है, आप परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आपको बनना है, परमाणु विस्फोट करना है, तो आखिर एक तरफ तो आप संकल्प ले रहे हैं कि मैं पर्यावरण को कहीं भी रंच मात्र कुछ नहीं डिस्टर्ब करूंगा, और एक तरफ एक बार विस्फोट होता है तो धरती हिल जाती है, कितनी ध्वनि तरंगे निकलती है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, समुद्र को मखा जा रहा है, आसमान में इतनी उपग्रह है कि गनीमत है, अभी टकराए नहीं है सर, इतनी विसंगतियों के बीच हम आप जी रहे हैं। जितना कहना आसान है, ये तो अध्यक्ष बनता है, आ लगा दीजिए जिसके नदी है, तो सोच समझ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो मैंने अपनी अध्यक्षता भी प्रमाणित कर दी, और आप सब लोगों को कई कई बार मैं नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे सुना, और जो कुछ गलतियां हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी आदरणीय दीदी जी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी को, जो माध्यम फाउंडेशन की सर्वे शर्मा है, और ये सर्वभाषा ट्रस्ट उसके जो प्रमुख हैं, इन लोगों ने इकट्ठे होकर हम सब लोगों को मान सम्मान दिया और सारे लोगों को सम्मानित किया, अलंकृत किया। मैं सबकी ओर से उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि लेखन की जो परंपरा चल रही है, अभी कमरे पूर्व हमारी वक्ता ने कहा था छत डूब रहा है, लेकिन जरा लिखने वाले संभल के लिखे, क्योंकि लकड़ी काट के ही कागज बनाया जा रहा है ना, तो उतने लिखा जाए जितना सुपाच्य हो, संग्रहणीय होना चाहिए, संग्रहणी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं आपका आपकी किताब संग्रहणीय है, और कहते हैं कुछ लोग कि आपकी किताब संग्रहणीय है, तो संग्रहणीय तो बने, संग्रहणीय बने, पठनीय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका सम्मान करता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
कड़ी में अगला नाम डॉक्टर राम हरेश। पर्यावरण चेतना इस विषय को लेकर अभी प्रथम अपना समकालीन दोहा काव्य में प्रकृति एवं पर्यावरण चेतना इस विषय को लिया है। दोहा वर्तमान में भी पूरी ठसक के साथ विद्यमान है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दोहा छंद को नूर की भांति अपनी चमक बिखेर रहा है। दोहा एक लघु छंद है और कम में अधिक बात कहने के लिए अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन, इसलिए मैं संक्षिप्त में पत्र नहीं लिख सकता, इसलिए लघु विधाओं का अपना एक अलग महत्व है। दोहा हो, हाइकू हो, छंदा हो, कुछ भी समकालीन दोहाकारों में कुछ दोहों पर नजर डालकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मंच पर मौजूद आदरणीय जी का एक दोहा द्वार लटक रहे हैं शून्य में, प्रति से भिग चुके बेच रहे कपड़े। सोन चिड़िया मौन है, कोयल है वह भी कटे आम के धूप पर कैसे जाएगी। विसंगतियों की बात देखिएगा, रायबरेली के प्रसिद्ध दोहाकार जय चक्रवर्ती जी के दोहों से पानी संकट पर इधर, पानी संकट पर इधर फिर संसद गंभीर राजमार्ग पर थे पानी। राजेंद्र वर्मा भी इसी शहर के हैं, शहरों में शामिल हुए जब से अपने गांव निर्वासित होने लगे पीपल बट्टी छाव। और इन्हीं के साथ मेरे दोस्त, जहां हवा का रेट है पानी का भी रेट, पश्चिम की आबो हवा हमको रही समेत। प्रणाम करते हुए आप सबके सम्मुख मैं विष्णुवर शुक्र उपस्थित हूँ, आप सबको साझा प्रणाम करता हूँ। इस समृद्ध मंच को आज सुशोभित कर रहे हैं डॉक्टर
हरिशंकर मिश्र जी, डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल जी, क्षितिगंज गिरीश चंद्रवर्ती जी और सभी क्षति पहुंचाई है धरती मैया को, सुरंगे खोदी हैं, पर्वत ढहा दिए हैं, नदियों के बांध रोक दिए हैं, जल का प्रवाह रुक गया है और वनों की जगह हरिद्वा की जगह कंक्रीट के जंगल हम पुकार रहे हैं। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि हम धीरे धीरे जागृति का अभियान शुरू करें, इस भौतिकवाद की झूठी अंधी दौड़ को सीमित रखना होगा ताकि प्रकृति को हम सुरक्षित कर सकें। आज ये हमारी मोदी धरती हम योनि और मोदी धरती कराह रही है, हमें इसके लिए सशक्त साहित्यिक संवेदना को जगाना होना ये चाहिए कि आज हम कलुष हटा दें, उज्ज्वल कर दें, शाम कलुष हटा दें, उज्ज्वल कर दें, भोर दोपहर शाम निखरे जीवन हसे रश्मियां खिले स्वर्ण सा धाम, निखरे जीवन हसे रश्मियां खिले स्वर्ण सा धाम, धुआं को सशक्त बनाए। मैं मुख्य रूप से आज बहुत आभारी हूँ ये आयोजन जो तीन संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और आदमी फाउंडेशन लखनऊ का मुख्य योगदान है और उनके सहभागी हैं, उनके सहभागी हैं लिखित प्रकाशन आग्रह के। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आयोजकों को जिन्होंने एक संकल्प यात्रा का, एक संदेश यात्रा का प्रारंभ किया है और इस पर हम सबको आगे बढ़ना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी का जिन्होंने मुझे आपसे संबोधित करने का अवसर प्रदान किया। आप सबको नमन, धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए करके आपके भी चरणों में नमन चंदन वंदन। आगे की कार्रवाई के लिए मैं हमारे परम के पटवृक्ष के रूप में जाने हुए भाई आफू जी, डॉक्टर आफू जी आपका इस बार की पुस्तक मेला में तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। मंदिरकालीन साहित्य की सेवा के लिए आज डॉक्टर
डॉक्टर एल पी विजय लक्ष्मी साहब का सम्मान हो रहा है। एक बार कैतल ध्वनि अगर हो जाए तो नाद में वातावरण अभी इसके पूर्व पर्यावरण में संगोष्ठी हुई है। एक सुंदर पर्याजाकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राम नरेश जी हैं। अपने नाम के अनुकूल क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छा नाम। हमारे त्रिवेदी जी उपस्थित हो गए हैं, बहुत प्रसाद हुआ लखनऊ में अनायास। त्रिवेदी जी की पृष्ठभूमि भी साहित्यिक है और साहित्यिक नगरी से आप हैं। इस समय राजधानी में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्नाव से आपका अभिन्न लगाव है, तो बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है इस कार्यक्रम में। अरे बहुत सुंदर चलाने वाले बहुत बहुत बधाई और साधुवाद डॉक्टर मिथिलेश जी को इस गौरवशाली सम्मान के लिए। और बहुत में अध्यापन के माध्यम से और अनेकानेक पुस्तकों के संपादन के माध्यम से और अपनी निरंतर सतत सक्रियता से साहित्य और समाज को जो अभूतपूर्व योगदान दिया है, मैं समझता हूँ वो एक दस्तावेज के रूप में, अक्षुण दस्तावेज के रूप में समय कालखंड में सुरक्षित रहेगा। और आयोजन हर वर्ष करते हैं भाई मोहन मुरारी शर्मा जी, आशु जी का सम्मान हो रहा है। सुंदर संचालन में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। आशु जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका सम्मान कर निखिल प्रकाशन गौरवान्वित है और हम सब भी, क्योंकि ये मेला है तो पुस्तकें हैं और पुस्तकें हैं तो पाठक हैं, पाठक हैं तो लेखक हैं। ये मैं आमंत्रित करती हूँ विनय शंकर दीक्षित आशु जी को आगे के कार्यक्रम की कार्यवाही। एक अकेला भारी है, सौ सौ दीपों पर सूरज एक अकेला भारी है, अगणित तारों मध्य चांद की अलग सवारी है, अगणित तारों मध्य चांद की अलग सवारी है, और मुझे विलख करने वाली भीड़ समझ ले, भेड़ों के झुंडों पर शेर अकेला भारी है, भेड़ों के झुंडों पर शेर अकेला भारी है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद इनकी ऐसी महनीय सेवाओं के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती अंशुला दुबे जी उपस्थित है, मैं उनको सादर करके आमंत्रित करता हूँ कि श्रीमती अंशुला दुबे जी आए और अपना सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। किताबें न होती तो केशों के किस्से न होते, किताबें न होती तो केशों के किस्से न होते। सीता अनुसुईया के श्रीमती रेणुका वर्मा जी का सम्मान हो रहा है, शिव तिवारी जी का सम्मान हो रहा है, मनोज ज्योति जी बैठिए, शिव तिवारी जी से भी निवेदन है कृपया। इसके पश्चात हमारे बीच में श्रीमती माधुरी महाकाश जी को आना है, श्रीमती माधुरी महाकाश जी ये एक अद्वितीय कार्यक्रम होता है विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और समूह के द्वारा मनीषियों को सम्मानित किया जाता है, उनकी पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य तो ये निरंतर कर ही रहे हैं।
मेला के पावन प्रांगण में उनका सम्मान होना है। ललित असीम जी के अंदर लालित भी है, असीम जो बैठे में इसी पिछले पहचान डॉक्टर नरेंद्र संगम जी हमारे बीच होंगे। डॉक्टर नरेंद्र संगम जी, डॉक्टर नरेंद्र संगम जी से हमारा निवेदन है कि कृपया आए, और हमारी इच्छा है कि दो शब्द आप यहाँ बोल दें, क्योंकि आप ही एक ऐसा जो कहीं आपकी ताज रखे भी हैं अपने सब पर। डॉक्टर नरेंद्र संगम जी की महानी प्राप्त हो गई है। डॉक्टर नरेंद्र संगम जी का सम्मान हो रहा है, और इसके पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर हरगोविंद शाह भाई जी का सम्मान होगा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मैं श्री और प्रस्थान कर संचालक महोदय का, जिन्होंने इस काले भाई कवियों के हित काम कर छिपे हुए दो लेखक कविगण उन सबको है छाप रहे, आप लिखोगे हम छापेंगे इस नारे की छाप रहे, आप लिखोगे हम छापेंगे इस नारे की छाप रहे, अति सुंदर पुस्तक को छापे लेखक को सरनाम करें, निखिल प्रकाशन वाले भाई कवियों के हित काम करें, मेरे दिल से कितने भाई घूम रहे गली पूंछी तक, शर्मा जी ने पहुंचाया है सम्मानों की सूची तक, शर्मा जी ने पहुंचाया है सम्मानों की सूची तक, मिशन आपका इतना अद्भुत यही सुखद अंजाम करें, निखिल प्रकाशन वाले भाई कवियों के हित काम करें। और गीत का अंतिम बंद हम लेखक साहित्यकारों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि कवियों लेखकों की ओर से मैं आभार व्यक्त करता, कारवा आपका नित बड़े ये आश्वस्त करता, नहीं जुड़े वे भी जुड़ जाए, नहीं जुड़े वे भी जुड़ जाए, हम सब नहीं जुड़े वे भी जुड़ जाए, हम सब ये पैगाम भरे, निखिल प्रकाशन वाले भाई कवियों के हित काम करें, सस्ती अच्छी सुगम छपाई करके अपना नाम करें, निखिल प्रकाशन वाले भाई कवियों के हित काम करें। जय हिंद। आपकी ऐसी वस्तु है, ऐसा दस्तावेज है जो युगो युगो तक हमारे बीच में रहता है, और युग युग की वाणी का युग युग तक सम्मान करती है, पुस्तक वो होती है। आज कोई क्या है, तूफानों से चोट कराए पाए कई सफलता है, और छू लेता है एक दिन अंबर जो सौ बार फिसलता है, छू लेता है एक दिन अंबर जो सौ बार फिसलता है, और अपना दीप
मनोहर कुमार सिन्हा की महानी उपस्थिति हम लोगों को प्राप्त हुई है। आदरणीय कृष्ण आर्य जी का सम्मान हो रहा है। पश्चात हमारे बीच में श्री रूपलाल शाह सेवाओं और योगदानों के लिए आज उनको विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और निखिल प्रकाशन समूह द्वारा इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले के प्रांगण में उनका सम्मान किया जा रहा है। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक बार आप लोग भी जोरदार तालियां बजा दीजिए तो सम्मान हो जाएगा और जिसको सम्मान मिलता जाए निवेदन है कि वो भी यहाँ कुछ पल के लिए रुके, अन्यथा जो उसके सम्मान में मैं तालियां भजवा रहा हूँ यदि वो बिना हर ताली बजाए चला जाएगा दूसरे के सम्मान में तो वो उसको उधार का जो लग जाएगा और उसे छुट्टा करना पड़ेगा। यदि इस जन्म में छुट्टा हुआ तो नए जन्म तक भी जा सकता है तो मैं चाहता हूँ वो सम्मान लेकर के जाए नहीं और आगे जिसका दूसरे साहित्यकार का जितने आपके सम्मान के समय ताली बजाइए आप उसके सम्मान में भी तालियां बजा करके अपना अपने उद्गार प्रकट करिए माहौल को और संतुलितनुमा अच्छा बना दीजिए, बेहतर बना दीजिए, उत्तम बना दीजिए। तो आपसे ये निवेदन है। कुमार वर्मा जी अनिल कुमार वर्मा जी भाई आदरणीय अनिल कुमार वर्मा जी का सम्मान हो रहा है। ये अपने आप में एक अद्वितीय कार्यक्रम हमारे निखिल प्रकाशन समूह और साहित्य सेवा ट्रस्ट का होता है जो सूरज भी शुक्ला जी है डीके मिश्रा जी का सम्मान हो रहा है जो यहाँ उपस्थित हमारे बीच में तो उनसे भी सारा निवेदन है कि आप जमा करें। भूमिका को सदैव सक्रिय रखना है, तटस्थता को तक सत्य साथ खड़ा होना होगा, तंबी छाती पर सूरज को उगना होगा। श्री रघुवर आनंद जी हमारे बीच है, रघुवर आनंद जी उनसे भी निवेदन तटस्थता को तक सत्य साथ खड़ा होना हो सम्मान अतुलशीत सम्मान होना है जो हमारे बीच में होती रहती थी कि डॉक्टर साहब इसमें कौन सा सम्मान समारोह रखना है क्या करना है और वो मेरे इतने करीब थे कि वो किताब की एक खूबी होती है, किताब की एक विशेषता होती है कि वह बदलती नहीं
किताबें ही नहीं चेहरे भी पढ़िए जनाब, किताबें पढ़ती रहती चेहरे बदलते के हिसाब, चेहरे में परिवर्तन हो सकता है, किताब स्थिर रहती है, किताब का व्यक्तित्व एक रहता है, ये किताब की खूबी है, किताब की विशेषता है। अब इसी क्रम में एक सम्मान श्री राम प्रसाद वर्मा जी का मेरी जो मतलब मैं समझता हूँ उनकी जान पहचान नहीं है, उनका भी सम्मान आप ग्रहण कर लीजिए। राम वर्मा सरल जी का सम्मान 21 नंबर है, इसके पश्चात जो युग और परिवेश को भाषा देने का कार्य करता है, ये खबरें जो मैं तुमको सुनाता हूँ या फिर जो गीत महफिल में गाता हूँ किसी अखबार की सुर्खियों से नहीं, जमीन के कले से निकाल कर गाता हूँ, ये साहित्य कार्य करता है। अब मैं इसी क्रम में कवि के श्री राजभक्त सिंह जी हैं उनको आमंत्रित करता हूँ। नरेंद्र वर्मा जी से निवेदन है कृपया मंच की ओर आने की कृपा करें। श्री नरेंद्र वर्मा जी एक मिनट निजाम अधिकारी जी का सम्मान हो रहा है। इसके पश्चात श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव श्री जी हमारे बीच में है, श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव रथ श्री जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आकर अपने सम्मान को ग्रहण करने की कृपा करें, उनकी विविध महनीय सेवाओं के आदरणीय पुरुषोत्तम सिंह चौहान अटल जी का सम्मान उनकी विविध साहित्यिक सेवाओं के लिए सुनिश्चित हुआ है। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूँ कृपया किसी के अनुकूल आप साहित्य और समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सत्तर का पहन छोटा फिरता है, सत्ता के गलियारों में जो रहकर का पहन छोटा फिरता है, कलमकार उसका टेढ़ा, कलमकार उसका टेढ़ा, बेनकाम हृदय क्या। मैं आदरणीय श्रीमती भावना शर्मा जी को आवाज देना चाहता हूँ, आदरणीय भावना शर्मा जी कृपया मंच की ओर आने की कृपा करें। भावना शर्मा जी थर्टी टू डॉक्टर प्रांत कुमार सिंह जी कुमार श्रीवास्तव जी हमारे गेट में उपस्थित है। राजकुमारी गुर्जर शिक्षिका समाज सेविका राजकुमारी गुर्जर जी डॉक्टर नेहा कुमारी गुर्जर जी आदरणीय योगाचार्य दीप्त भूषण जी के पश्चात में कवि हम धरा पर उगाते तो निहान है, हम धरा पर उगाते तो निहान है, हम समय का स्वर समय का गान है, हम धरा पर उगाते तो निहान है, हम समय का स्वर समय का गान है, और समय का दर्पण दिए नव चेतना का भान है, और हम समय की शिला पर अमिट निशान है, ये साहित्यकार होता है, हम समय की शिला पर अमिट निशान है।
ऐसे हमें निशानियों के लिए उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित गौरवशाली मंच से किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद और बधाई निखिल प्रकाशन और विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट को भी है। इसके पश्चात प्रोफेसर डॉक्टर नीतू शर्मा जी, प्रोफेसर नीतू शर्मा जी, डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी से निवेदन है कि कृपया पुस्तक विमोचन के अवसर पर सम्मिलित हो जाए। डॉक्टर अशोक अज्ञानी और ममता पंकज जी से निवेदन है कृपया आए और इसी बीच में कुछ परिचयात्मक उद्बोधन डॉक्टर प्रोफेसर नीतू शर्मा जी के लिए देने की कृपा करें। और और उसकी सजा उसी की बात की तो निर्वेद रखा। डॉक्टर संत दीक्षित जी का सम्मान के लिए हमारे बीच में डॉक्टर डॉक्टर प्रमोदा पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपको चार पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूँ। मात सशक्त से पंडित जी हमारे बीच में उपस्थित है। पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पंडित जी की साहित्यिक सेवाओं, उनके अवदानों और उनके योगदानों के लिए उनको आज गौरवशाली मंच पर राष्ट्रीय महिला के पंडित जी कुमार तिवारी जी ने समझाई किया है। साधुवाद के बात है, आज उनका सम्मान होना है। सम्मान क्या है, इसके कुछ भाव सुमन है जो विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और निखिल प्रकाशन समूह ज्ञापित करता है। पंडित जी से सादर अनुरोध है कि सम्मान को ग्रहण करने की कृपा करें और ज्योतिष का जो ज्ञान हमने भूतपूर्व ज्ञान अर्जित किया है उससे भी समाज की दिशा से राय बदली से हमारे बीच पुराने हैं, बैसवाड़ा क्षेत्र से हैं। आपने श्री वृद्धि करने का कार्य किया है, उनकी विशिष्ट पानी सेवाओं के लिए डॉक्टर देवी भक्त सिंह बैस जी का सम्मान हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ। डॉक्टर कलमधारी कागज हो, काल के ग्रंथ का बने जो अध्याय कलमधारी कागज हो, ऐसे हमारे डॉक्टर देवी भक्त सिंह बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवी भक्त सिंह जी बैस जी। हमारे बीच कवित्री दीपा वली विकास जी है, बैठ जाइए, आप लोग आसन ग्रहण कर लीजिए। इसके पश्चात मैं आवाज देना चाहता हूँ श्री रियाज इटावी जी का। रियाज इटावी जी हमारे बीच में उपस्थित हो तो रियाज इटावी जी से निवेदन है कि कृपया मंच की ओर आने की। आपकी बातें अच्छे हैं और बेटी को समर्पित दो पंक्ति माँ को, खुदा का नूर है, पक्ष ये दिन चल रहे हैं और मां सरस्वती
और हर सांस में बसा है बहता चिराओं में प्राण गीत बनकर गान बंदे मातरम। तो वेदों की रिचाओ सब पवित्र लगे राष्ट्र गीत मुरली की मधुर ताल करता हूं कि हमने ऋषि मुनियों की पुण्य धरा ईश्वर ने इसे सवारा है अखिल विश्व में। श्री हरी हरीश कुमार जी, हरीश कुमार जी, श्री नंद किशोर सिंह जी भाई बीच में है 75 के नाम बनता है संजय केजरीवाल योगाचार्य दीप भूषण जी सेवक योगा किरण शुक्ला जी यदि हमारे बीच में हो तो कृपया संकेत देने की कृपा करें। श्रीमती सुरभि शुक्ला जी इसके पश्चात श्री रघुवर आनंद जी विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय वर्तमान में मनोवैज्ञानिक पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से आप कर रहे हैं भारत के कई संस्थाओं द्वारा सामाजिक कार्य लेखन कार्य अनीता अरोड़ा के नाम जी है अनीता अरोड़ा जी हाँ आ रहे हैं आ रहे हमारे मैं समझता हूँ सम्मान की उनकी अरे साइड में सर पूरी होती है कुछ अत्यंत विशेष लोग रह गए हैं जो किन्हीं कारणों से यहाँ पर नहीं हो सके उन तक उनका सम्मान प्रेषित किया जाएगा। वाणी प्रकाशन वाले प्रदीप चाहते हैं आप अविलंब परेशान वैसे भी मैं चाहता हूँ दो शब्द हमारे आदरणीय अध्यक्ष संबोधित कर दें दो शब्द बोल दें और इसके पश्चात हम आभारी हूँ। तो मैं आप सब डॉक्टर गुप्तेन्द्र कवीर पिछले विगत चार दशकों से इस मंच का अध्यक्षता करते आया हूँ ये उनकी मेहरबानी है और उनका एक विश्वास है मेरे में उनके पर तो दो लाइनें बोलता हूँ कि है और भी दुनिया में बहुत कमल सदे अच्छे सामने देखते रहो मैं दुनिया में और बहुत खूबसूरत कमल सदे अच्छे कहते विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष है और लिखित प्रकाशन समूह के संस्थापक स्वामी है मैं उनका सम्मान उन्नाव के साहित्यकार अपनी ओर से कर रहे हैं और आदरणीय मोहन बनारी शर्मा जी का मैं भी सम्मान की प्रक्रिया में सम्मिलित हूँ। भैया रुको पुस्तक मेला के आयोजन अगली बार कुछ ऐसा सुधारने का प्रयत्न करें कि चीजें ट्रैक पे आ सकें।